फोरम में आप सभी लोगों का जोरदार तालियों से वेलकम है। माई सेल्फ अरविंद निगम, बाय प्रोफेशन टीचर फ्रॉम कानपुर, और आज के इस फोरम का मैं होस्ट हूँ। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही शानदार कपल से इस ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि अतर्रा से बिलोंग करते हैं, बांदा अतर्रा से, और बाय प्रोफेशन वो लेक्चरर हैं, और बहुत ही डेडिकेटली जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो है बिल्ड कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहें, बहुत कुछ आपको आज मिलने वाला है। अपने वीडियो को ऑन रखें अगर कोई ऐसी कंडीशन ना हो। एंड सभी लोग जो है शुरुआत करते हैं, मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर शरद श्रीवास्तव जी का एंड विनीता श्रीवास्तव जी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव फ्रॉम अतर्रा बांदा, बाय प्रोफेशन लेक्चरर, और आज काफी समय बाद आप लोगों से मिलने का अवसर हुआ है। और आज हम लोग कुछ चेंजिंग की बात करेंगे, कुछ स्पेशल बात करेंगे, जो ऐसा लगा कि शायद जीवन में हमारे या आपके जीवन में कुछ कमी रह गई है, तो उस कमी को हम कैसे ढूंढ पाए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग शुरू से ही बचपन से सोचते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और वही जो आपका पहले से ट्रेडिशनल चला रहा है, जिसमें आप कहते हैं कि आप जो है किसी जॉब में जा रहे हैं, किसी सेल्फ एम्प्लॉय में अपना वर्क, छोटा सा आपने कोई बिजनेस आपने शुरू किया है ना, तो लेकिन उससे हट करके भी हमको यहाँ पे कुछ सोचना है। तो अब क्या सोचना है ये हम यहाँ पे थोड़ी सी आपसे एक्स्ट्रा बातें करेंगे, ठीक है। और इसमें मेरी स्क्रीन आपको विजुअल हो रही है और इसमें आपको कुछ शो हो रहा है, यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा है। अब ये टाइम क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन है हमारा बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। अब इतनी तेजी से जीवन निकल रहा है हमारा, तो आखिर क्या करना है हमको, कैसे इस टाइम को लेकर के चलना है, कैसे इस समय को हमको पकड़ करके चलना है, आज इसी के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और क्या हो सकता है साथ में, अब बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस की। पूरा जीवन हम लोगों का बीत रहा है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इस टाइम के हिसाब से यदि आपने अपने आप को रेडी नहीं किया, अपने आप को उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा, आप इस लाइफ में, इस जीवन में अपने दोस्तों के साथ आप बैक हो जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या रास्ता है, क्योंकि जो पहले से चला रहा है उसमें हमको काफी कुछ बदलाव करने की जरूरत है और एक बैलेंस लाना। अब किस चीज का बैलेंस लाना है, उस बैलेंस के बारे में आज हम देंगे, जिसमें लाइफ में आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। लाइफ को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है एक बैलेंस। अब जो ये बैलेंस है, इससे क्या आप सोच सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या बैलेंस है, आपकी प्रकृति में क्या बैलेंस है, आपके शरीर में क्या बैलेंस है, खान पान का क्या बैलेंस है, हर चीज का आप ध्यान रखते हैं। जरा सा बैलेंस खत्म हुआ, वैसे ही हेल्थ चैलेंज आ गए। जरा सा बैलेंस खत्म हुआ, मनी चैलेंज आ गए। जरा सा बैलेंस खत्म हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ। तो ये बैलेंस कितना जरूरी है, इस चीज के बारे में भी हमको सोचना है। तो अब इस चीज के बारे में सोचना है तो क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर व्हाट, सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि क्या करना है। शुरू से हमने भी बचपन से यही सोचा था कि क्या करना है हमको, अब क्या करना है, कौन सा काम करना है, ये सोचा, और इसी सोचने में हम लोग रह गए, और जो पुराने लोगों ने हमको बताया, हमारे दोस्तों ने बताया, हम वही काम करते चले गए। इसके अलावा कैसे करना है,
ये भी हम लोगों ने सोचा, आप सब भी सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या इतने से हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, जो चीज हम लोग बाद में सोचते हैं उस चीज को पहले सोचना है, और वो क्या है, क्या थिंक करना है, वो हाई। और इस हाई में सबसे पहले कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले आप डिसाइड करिए हाई आपको क्यों करना है। आज आप इस ओपन फोरम में बैठे हुए हैं तो आपको क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आए हैं, यानी चेंजिंग करनी है तो क्यों करनी है। जब भाई क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करना है और कैसे करना है इसका तो रास्ता निकल ही आएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि हमको कल्पना तो करनी ही पड़ेगी। मैंने अपने एक राइटर हैं, प्रसिद्ध राइटर हैं नेपोलियन हिल, उन नेपोलियन हिल मेरे काफ़ी फेवरेट हैं और मैंने उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं नेपोलियन हिल की। तो नेपोलियन हिल में ने अपनी एक बुक में एक जगह उन्होंने दिया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। लेकिन यदि हम कल्पना ही नहीं करेंगे, हम ड्रीम ही नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे, है ना। तो हमको कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो वाई से आज हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पे हम लोगों की एक लाइफ, हमारी आप सबकी एक लाइफ है। अब लाइफ में क्या है, एक तरफ कुछ आया तो बैलेंस गड़बड़ हो गया, दूसरी तरफ एट किया तब यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। और इस बैलेंस की बात करेंगे, आप लोग चेक करिए कि क्या आपकी लाइफ बैलेंस है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ और एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसको कहीं से भी किया जा सकता है, कभी भी उसको किया जा सकता है। और इसके लिए क्या हो सकता है कि आपको डिसाइड करना है कि क्यों, अब क्यों करना है, क्यों काम नया करना है। तो क्या आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, जो भी इनकम आपके पास आ रही है क्या उससे एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं आप? यदि यस, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, क्योंकि इनकम की जरूरत तो सभी के पास है। कहते हैं मेरे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन फिर उनके पास पैसा है तो टाइम नहीं है उनके पास, जीवन में और भी चीज बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे सभी कुछ बैलेंस करने का एक पैकेज आपके सामने आ रहा है। बस 30 से 35 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें बात करते हैं अपने लाइफ साइकिल की। और इस लाइफ साइकिल में जब तक इतना कंप्लीट नहीं हो, इसकी सभी जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो कंप्लीट नहीं होगी, तब तक लाइफ बैलेंस नहीं होगी। और इसमें सबसे पहले तो आता क्या है, मनी। मनी कितना जरूरी है, ये आप सुबह से शाम तक जो भी आप खर्च करते हैं उसमें पैसे की जरूरत है। बिना पैसे के, बिना मनी के कोई काम नहीं हो पा रहा है। हेल्थ चैलेंज आता है तो रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से हमको पैसे की जरूरत होती है कि हमको कहीं से पैसा मिल जाए, कुछ मनी एक्स्ट्रा मिल जाए। क्यों ना अपने पास ही इतना हो कि कोई भी हेल्थ चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जरूरत हो, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारी हेल्थ, हेल्थ कितनी जरूरी है सब लोग जानते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज आजकल चल रहा है। पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, बाहर निकलो कुछ भी खाओ पियो, आप बाहर से कोई भी सामान लाते हैं उसमें इतने हार्ड केमिकल्स होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हेल्थ चैलेंज तो है ही है, इसको भी हमको दुरुस्त करना है। हर व्यक्ति के घर में हम जाते हैं होम में तो कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ मेडिसिन रखी होती है। क्यों रखी है, अगर पैसा पर्याप्त है तो फिर हेल्थ चैलेंज क्यों आ रहा है, सोचना है आप। ठीक है, इसके अलावा टाइम, बहुत सारे लोगों से हम मुलाकात कर चुके, उन्होंने बताया कि पैसा तो हमारे पास बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे से उनकी शॉप खुल जाती है या उनके काम शुरू हो जाते हैं, रात के 10 बजे तक उनके काम रहते हैं। पैसा तो आता है लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए उनके पास टाइम नहीं है, अपनी हॉबी के लिए अपने पास टाइम नहीं है। तो ऐसा जीवन किस काम का, ये जीवन बैलेंस ही नहीं है उनके पास, केवल मनी ही है,
इसके अलावा यदि और आगे देखते हैं तो एक रिकॉग्निशन सम्मान, यहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा। बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, है ना, जहाँ पे उनको केवल ऑफिस के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा एक पैकेज मिलेगा जिसमें रिकॉग्निशन भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों के हैं ड्रीम्स कि वो वर्ल्ड टूर करें। वर्ल्ड टूर क्या, अपने देश में ही, अपने कंट्री में ही आप पहले पूरा घूम करके आइए, बाद में वर्ल्ड टूर करिए। लेकिन लोग जा नहीं पाते, कहते मेरे पास टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम नहीं है उनके पास क्या है, वो उनके पास पैसा है, लेकिन जिनके पास टाइम है उनके पास पैसा नहीं है। तो ये बैलेंस कैसे हो सके, और ये हॉबी जो बचपन से हम लोग सोच रहे थे कि बहुत दूर अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये सभी ड्रीम्स सीमित करके रह जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा इनकम के और भी ज्यादा ये सोच, हम भी सोचते हैं कि इनकम ज्यादा सोर्स होने चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन कैपिंग लगी हुई है, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके अलावा कुछ ज्यादा सोच नहीं पाते, समय ही नहीं बच पाता है, अपने आप को बिजी रख पाते हैं तो केवल सोचते रह जाते हैं, इनकम के सोर्स बना नहीं पाते। तो उसका भी आज रास्ता निकलेगा। और इसके अलावा घर परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना, उनके साथ साथ अपना टाइम पूरी तरह से बिताना हमको ये भी जरूरी है। लेकिन लोग इतने काम में लगे रहते हैं, अपने व्यापार में लगे रहते हैं कि परिवार पे ध्यान ही नहीं दे पाते, है ना, कि परिवार के साथ हम समय बिता सके। तो जब इतनी सारी बातें यानी सभी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तभी आपका जीवन, आपकी लाइफ इस तरह बैलेंस हो पाएगी। इसका मतलब अभी हमारी और आपकी किसी भी लाइफ बैलेंस अग्रसर हो चुके हैं, ये भी पड़ेगा, है ना। अगर बैलेंस नहीं है तो कुछ लाइफ का जो साइकिल है वो इस तरह दिखाई देगा, और इस तरह कोई भी साइकिल राउंड नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी, है ना, बेकार टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आज कुछ बैलेंस हो जाए, कुछ नया मिल जाए, तो आगे का प्रेजेंटेशन आपके लिए। यहाँ मेरे सामने शो हो रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक बिजनेसमैन है, एक ऑथर है, है ना, इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको सुना है और इनकी बुक्स पढ़ी हैं। मैंने भी इनकी बुक्स द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हो एक बार उसको जरूर पढ़ करके देखिए, कुछ नया व्यू आपको जरूर मिलेगा। कुछ ट्रेडिशनल क्षेत्र से छोड़ करके कुछ नया व्यू आपको मिलेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है इस 21st सेंचुरी में। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में 4 तरीके से ही इनकम कमाई जा सकती है, पांचवा कोई भी तरीका नहीं है। अब 4 तरीके कौन कौन से हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। आप और आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दिन भर काम करते हैं, 8 से 10 घंटे कठिन काम करते हैं, और महीने के अंत में ये डेली उनके पास इनकम आती है। जिस दिन वर्क नहीं होगा उस दिन इनकम उनकी 0 हो जाएगी, ठीक है, जिस काम नहीं तो कोई कमाई नहीं। और इसके अलावा राइट हैंड साइड में हमारे दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, जो एक सिस्टम बनाते हैं, इनकम का सिस्टम बनाते हैं। इनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं और ये घर पे रहते हैं, ये केवल जो है घूमते फिरते हैं, मैनेज करते हैं और काम होता रहता है। ये एक दिन काम नहीं भी करेंगे तो टीम इतनी बड़ी होती है कि इनके पास अनवरत इनकम आती जाती है, ये नहीं भी रहेंगे तो इनके परिवार के पास इनकम आती रहेगी। अब आपको सोचना है कि आपको जीवन भर लाइफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में बने रहना है या राइट हैंड साइड में आना है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम इतना बड़ा सेटअप क्यों लगाएंगे। तो इतना बड़ा सेटअप लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका यस है तो आगे का प्रेजेंटेशन आपके लिए फिर से। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक शो देख रहे हैं और इसमें मनी शेयरिंग फार्मूला यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस मनी शेयरिंग में क्या है कि
करके 80% लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, लेकिन इनके पास टोटल जो मनी है वो केवल 20%। लेकिन राइट हैंड साइड में 80% लोग के पास पैसा है और है कितने, केवल 20% लोग है, केवल 20% उनके पास मनी कितना है, 80% लोग है। क्या आखिर इन्होंने किया? जरूरी नहीं है कि ये जो बिजनेसमैन है वो बचपन से ही इतने बड़े थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरुआत की थी। इसका मतलब हमको थोड़े से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है, लेकिन लगातार शुरुआत करनी है। कैसे करनी है इसके बारे में, और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है हमारे पास, अब जो ट्रेडिशनल है इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल वर्क अभी तक होता था, हम व्यापार करते था उसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ता था, रिस्क भी ज्यादा था, चलेगा या नहीं चलेगा लोग नहीं चाहते, आपके आसपास के दुकान वाले आपके पड़ोसी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, दूसरे लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊं, कानूनी अड़चने भी बहुत सारी होती हैं उसमें। अब पता चलता है जीएसटी पेड करो, इनकम टैक्स पेड करो, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, आपको बड़ी खाता ले जाना है, बिजनेस के खर्चे बने रहेंगे आपके पास और कोई भी सिखाने वाला नहीं है। इसके अलावा जब आप मॉडर्न ट्रेड में आते हैं तब क्या होता है, आपको लगभग ना के बराबर पैसा लगाना पड़ता है जो कि हर कोई लगा सकता है। लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे कामयाब हो, कोई कानूनी अड़चने नहीं है आपके पास, कोई एक्स्ट्रा आपको खर्च नहीं देना, और एजुकेशन सपोर्ट मिलता है कि आपको ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, लर्निंग सपोर्ट मिलता है। आप सोचिए कितनी अच्छी दुनिया है राइट हैंड साइड में, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आराम से आ सकते हैं, अपना काम करते हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे होगा इसका, ये भी रास्ता हम निकालते हैं यहाँ पे। तो अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि हमको क्या करना है, तो क्या करना है, अब बात आती है क्यों करना है, ये महत्वपूर्ण हो गया, आप सबने समझ लिया कि क्यों करना है। अब डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए कि अपना काम जो पुराना वर्क हो रहा है उसको करते रहे और ये नया भी करते रहे, अपना एसेट हम बिल्ड करते रहे। तो इस बिजनेस के बारे में हम आगे समझते हैं, एक स्टार्टअप की बात करेंगे। आजकल बड़े बड़े स्टार्टअप चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट कॉमर्स का क्षेत्र देख लीजिए, जो चीज मैनुअल चल रही थी वो अब ई कॉमर्स में, आप बटन दबाते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपके घर ऑर्डर रिसीव हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, निवास, ये सब कुछ आपके कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो और इसके अलावा एफएमसीजी का मार्केट, जो कि दैनिक जीवन में हम चीजें इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका मार्केट तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, 16 लाख करोड़ पर ईयर का मार्केट है। डिजिट को देखिए कितने सारे जीरो लिखे हुए हैं, कितने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते पढ़ते इतना टाइम लग जाएगा। इसमें अगर 0.001% भी आपकी भागीदारी, तो आपका जीवन, आपका लाइफ तो बैलेंस ही हो गई। तो कैसे होगा इतने बड़े पैसे में भागीदारी एफएमसीजी में, कि पुराना काम आप करते रहें अपना और नया काम में आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती रहे। अच्छा, तो इसके लिए आप सब जानते हैं और हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो किसी भी सामान को 40% में ही बनाता है, और इसके बाद धीरे धीरे वो अलग अलग चैनल्स में आता है, C&F के पास जाएगा, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका रिटेलर है, फिर छोटे और दुकानदार रिटेलर हैं, वहाँ से होता हुआ सामान हमारे पास आता है, कस्टमर पास आता है, और इसके बाद कितने में, 100% में। तो 100% में हमको सामान मिला, हम जीवन भर से बचपन से ही कस्टमर ही बने हुए हैं, हम बड़े खुश होते हैं बाजार से कोई सामान लाते हैं, क्यों खुश होते हैं, 40% का सामान है और 100% पे हमको मिल रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम 60% अपना पैसा हम बीच वाले चैनल में दे आए हैं,
और बीच के जो चैनल वाले हैं, रिटेलर्स हैं, ये बड़े आदमी होते चले जा रहे हैं और हम हमेशा कस्टमर ही बने रहेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर के अलावा हम जो है प्रोज्यूमर भी बन जाए, प्रोड्यूसर भी बन जाए? कैसे बन सकता है? इसके लिए क्या बात हो सकती है? बीच वाले चैनल को यदि हम बंद कर देते हैं, बीच में जो हमारा 60% पैसा जा रहा था, क्या ये 60% पैसा आप यदि इसमें 50-50% की भागीदारी हो जाए? आज तक किसी दुकान वाले ने, किसी कंपनी ने आपसे भागीदारी नहीं की। आज हम कहते हैं यदि इसमें भागीदारी हो जाए तो आपकी इनकम ऑलरेडी बढ़ेगी, क्योंकि आप यूज कर ही रहे हैं और यूज करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगे तो और अच्छा है। कैसे आएगी? जब 20 का चैनल आप लोग ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ पे सीधे आप कहाँ चले जाते हैं? मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट हो जाता है और इसमें क्या होता है, आप यूज भी करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूट चैनल बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, डायरेक्ट सेलर आप कहलाते हैं। ये सभी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, आपको परमिशन मिल जाती है। और इसके बाद अब फिर आप कहेंगे कि कौन सा काम है, कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमविक सिंस 1959। सोचिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं जो 1959 के हैं ही नहीं, कि वह सुनते रहे हैं जो शुरू से है, एक विशाल बरगद का वृक्ष है। तो उस आज एमवे की बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? पता नहीं। तो क्या जानते हैं? इतने सारे वर्जन हो चुके हैं, तो यहाँ पे एमवे 3.0 वर्जन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? अब आप कह दो कि हम और कुछ नहीं जानते, तो आज हम इसके बारे में बताते हैं कि आप एमवे के साथ मिल करके वर्ल्ड के 100 से ज़्यादा देशों में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अभी आप एक शहर से दूसरे शहर अपने व्यापार को नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप जहां एडवोकेट हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी शॉप है वो आपके शहर में ही है, आपके मोहल्ले में ही है, लेकिन यहां पे आप दूसरे शहरों को भी कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और सरकार की इन ढेर सारी संस्थाओं के साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं, चाहे वो स्किल इंडिया हो या रिटेलर्स एसोसिएशन आपकी काउंसिल हो, इसके अलावा FSSAI है ना, तो इन सब के साथ मिल करके यही हमारा सेटअप लगा हुआ है, है ना। तमिलनाडु में 1,000 करोड़ की लागत से एक सेटअप लगा हुआ है, कभी जाइए और इसको देखिए, जीरो वेस्ट, नो पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होता, सभी सब ग्रीन बेल्ट में वर्क हो रहा है, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित। और क्या खास बात है इसमें? ब्रांड एम्बेसडर, सब लोग पहचानते हैं, नाम लेने की भी उसको जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो अमेजिंग है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बेहतर अपॉर्चुनिटी है और सभी तरह की पॉसिबिलिटीज भी है, केवल अपने आप को ब्लेस करने की जरूरत है, अपने आप को सशक्त करने की जरूरत है। इसके अलावा अपने आप को सशक्त करना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, और इसमें वुमेन्स भी है, मेन्स भी है, यूथ भी है, सभी लोग हैं, क्योंकि आजकल का यूथ क्या चाहता है? अपने आप को सशक्त करना, अपनी जो आपकी महत्वाकांक्षाएं, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, मोबाइल और अकाउंट डिटेल आप देते हैं और आपकी आईडी जनरेट हो जाती है और आप काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको प्रोडक्टों में 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी भी मिलती है। और क्या है, हमारे प्रोडक्टों की यदि रेंज देखते हैं कि कितनी सारी इसमें रेंज दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आपको होम केयर रेंज है, आपके पास ओरल केयर है, और सभी ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें देखिए आपको लगेगा
कि अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे पास है, मेंस ग्रूमिंग रेंज भी आपको दिख रही है, ब्यूटी केयर रेंज है, स्किन ट्रीटमेंट केयर है हमारे पास, हेयर एंड केयर है। अब सोचिए कि जो अलग अलग ब्रांडों में कहीं आपको मिलती थी, आपको यहीं एक ही जगह मिल रही है और साथ में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। वर्ल्ड के फेमस ब्रांड हमारे पास है। इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास हेल्थ केयर है, हेल्थ और वेलनेस न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का फेमस ब्रांड है, कभी आप इसको सर्च करिए। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है हमारे पास, और क्या क्या है, एयर ट्रीटमेंट किसके लिए, होम के लिए भी और कार के लिए भी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आजकल एयर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। कभी गूगल में सर्च करके देखिए आप, आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में या आपके घर के अंदर आपके रूम में कितना पोल्यूशन है। इसके लिए सभी की ज़रूरत है एयर ट्रीटमेंट। इसके अलावा एमवे क्वीन, ये ऐसे यहाँ पे पॉट है, ऐसे यहाँ पे सेटिंग है कि जिसमें जीरो ऑयल कुकिंग होती है इस कुकवेयर में। अब जीरो ऑयल कुकिंग होती है क्योंकि जितने भी आजकल हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं वो सभी ऑयल के कारण ही आ रहे हैं, और डॉक्टर क्या कहते हैं कि ऑयल कम कर दीजिए। अब कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ आइए, सब कुछ आपको मिलेगा। अब करना क्या होगा, इतने सारे प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट तो आप यूज ही कर रहे थे, शुरुआत से आप यूज कर रहे हैं और आज तक आप कस्टमर ही बने रहे। इसके अलावा हेल्थ चैलेंज भी इनसे आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हानिकारक पदार्थ केमिकल इसके अंदर मिल रहे हैं, आपको केवल शॉप चेंज कर देनी है और इस शॉप को चेंज करने मिलेंगे 100% सेशन भी मिल रहा है, कुछ बोनस भी मिलेंगे आपको, डिस्काउंट मिलेंगे और ये आपका अपना बिजनेस कहलाएगा। तो अब ये 100% सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है इसको भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। और इस तरह हम अपने प्रोडक्टों से 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं और अपने प्रोडक्टों को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ अपनी हेल्थ भी के लिए भी और अपने बनी के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी कुछ नया कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकम आती कैसे है, तो इस इनकम आने के लिए थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं जिसमें अलग अलग जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाता है। अब बिजनेस कैसे बढ़ेगा, टीम की सहायता से, जो कि मैं आगे भी बता रहा हूँ। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपकी जो लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। इसको एक एग्जांपल की तरह हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट हमने यूज किया, जब यूज करेंगे, अब यहाँ पीवी लिखा है, पीवी का मतलब एक पॉइंट वैल्यू हो जो कि सभी कंट्रीज में वर्क करती है, तो हमारे भारत देश में इंडिया में 100 रुपीस की एक पीवी के आसपास बनती है। तो लगभग आपने 10-12-15 पीवी के पास आपने यूज करना शुरू किया, इसके बाद आपको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, जब अच्छे लगेंगे तो अपने आसपास के पड़ोसियों को आपने बताना शुरू किया और प्रोडक्ट को प्रमोट किया, अपना काम कर रहे हैं, जो काम आप पुराना वर्क कर रहे थे वो करते रहेंगे। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा टाइम में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू किया और प्रमोट करते करते किसी महीने में यदि आपका टर्नओवर 20,000 तक पहुंच गया तब आपके पास लगभग 3,000 रुपये के आसपास की इनकम आपके अकाउंट में आ गई। आप सोचिए, आपने प्रोडक्ट यूज भी किए, आपके पास इनकम भी आ गई, आज तक तो कभी नहीं आई जबकि आप बाजार में थे, एक्स ब्रांड यूज करते थे और आपका लेवल क्या कहलाएगा, 3%।
धीरे धीरे आपका बिजनेस और बढ़ेगा। 10 से 15 फैमिलियों तक आप बिजनेस को ले जाते हैं। अब जब 10 से 15 फैमिलियों तक आप ले जाते हैं तब आपका ग्रुप टर्नओवर 3 लाख 20 हजार तक जब पहुंच जाएगा तो लगभग 10 से 12 हजार तक की आपके पास इनकम उस महीने आ गई। अब इसी को मेंटेन करते चले जाइए, देखिए एक्स्ट्रा इनकम आएगी और इस लेवल को आप कहते हैं 9%। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे आप 90-100 फैमिलियों तक आपने टीम की सहायता से अपने बिजनेस को और बढ़ाया, आपका जो ग्रुप टर्नओवर है ये लगभग 10 लाख तक पहुंच जाएगा। और 10 लाख तक जब टीम की सहायता से, अकेले कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब कुछ टीम है, वन मैन शो नहीं होता, यहाँ पे पूरी लर्निंग प्रोसेस है। तो अब जब 10 लाख तक पहुंच गया तो लगभग 1 से 1.5 लाख की इनकम आपके पास आएगी और आप 21% कहलाएंगे, होगी वो सिल्वर पिन कहलाएंगे। इसी बिजनेस को आप किसी फाइनेंशियल ईयर में आप 3 मंथ तक मेंटेन रखते हैं तब आप गोल्ड कहलाते हैं, और इसी को आप 6 मंथ तक इसी फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन रखेंगे तब प्लेटिनम कहलाएंगे, और यदि पूरे एनुअल आपने मेंटेन रखा इस बिजनेस को तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाएंगे। और लगभग 1.5 लाख तक की इनकम आपके पास मंथली एक्स्ट्रा इनकम आए, जिस हम सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, जो बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्या इससे आपकी जरूरत और पूरी हो जाएगी या कुछ ड्रीम भी पूरे होने लगेंगे? चिंता मत करिए, यहाँ पे कोई कैपिंग मनी पे नहीं लगेगी, आप जितना चाहे अनलिमिटेड यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस को आप और भी बड़ा कर रहे हैं और आपके पास जब अलग अलग लेग में अलग अलग टीम में 3 फाउंडर्स प्लेटिनम हो जाते हैं तब लगभग 30 से 40 लाख की इनकम आने लगती है और आप कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं केवल आपको स्क्रीन शेयर में बता रहा हूँ, अभी आपको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। इसके बाद बिजनेस को और बड़ा करते हैं और जब हमारे पास 6 टीमें हो जाती हैं, 6 फाउंडर प्लेटफॉर्म सब हो जाते हैं अलग अलग टीमों में, तब हम कहलाते हैं फाउंडर डायमंड और हमारे पास इनकम 1 CR तक पहुंच जाती है। आपके ड्रीम भी पूरे हो पाएंगे, आपकी लाइफ भी इससे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे इस कंपनी ने इंडिया में 8.5 हजार करोड़ रुपए का पे आउट कर चुकी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडिया में ही, भारत के लिए ही, कहीं उसको बाहर नहीं ले जाना। और यदि वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं, जो कि वर्ल्ड के 100 से ज़्यादा देशों में ये वर्क हो रहा है, ये बिजनेस है, वहाँ 4.5 लाख करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड पे आउट कर चुके हैं। ये क्या है, टीम वर्क है। आज तक टीम वर्क आपने किया नहीं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन इनकम 0 हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपकी एक टीम होती है और टीम वर्क में आपको करना क्या है, लगभग 10 से 14 घंटे सप्ताह में, अब सप्ताह वीक का मतलब 2 घंटे पर डे के हिसाब से आप इसको जोड़ लीजिए, इतना तो समय आप दे ही सकते हैं। और क्या हो सकता है, अपने घर के कुछ प्रोडक्ट बदलने के लिए तैयार हो जाइए, आप कुछ लोगों से जिनको आप जानते हैं उनसे मिलवाने के लिए तैयार हो जाइए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सामने स्क्रीन पे कुछ आपको सक्सेस लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग प्रोफेशन से हैं और ये अपनी लाइफ में फ्रीडम इनको मिल चुकी है, फाइनेंशियल ये फ्री हो चुके हैं, है ना। तो अब इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, फाइनेंशियल फ्रीडम इनके पास है ना। और क्या है, अब ये जो है केवल एक स्वतंत्र जीवन अपनी हॉबी के साथ भी बिता रहे हैं, है ना। आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनके नाम से आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? इसके अलावा हमारे पास लर्निंग सपोर्ट भी है, जिसमें स्पॉटिफाई ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास लर्निंग है, उसमें आप यहाँ पे बहुत सारे ऐप ले सकते हैं और उससे आप लर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस सीख सकते हैं। vision100cam.com भी है हमारे पास और टेलीग्राम का ऑफिशियल ऐप भी है। अपलाइन के द्वारा रिकमेंड बुक्स भी यहाँ पे हमको मिलती है, जिससे हमको अपना एटीट्यूड बनाने में, अपना जो मेंटल आपका मानसिक नजरिया है,
सेशंस भी होते रहते हैं, जैसे आज ओपन फोरम हो रहा है, इसी तरह सेशन होते रहते हैं जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, और प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग होती है कि आपको जानकारी हो कि हमारा प्रोडक्ट कौन कैसा है। लर्निंग एकेडमी के द्वारा, एमबीए के द्वारा हो जाएगा। करना क्या है आपको, प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पहले हम कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, नेम वीडियो भी चाहिए, एड्रेस है, मेल आईडी है, फोन नंबर है। इससे क्या होगा, आप जो है आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, घर में सामान आ जाएगा, आप यूज करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम प्रमोट करेंगे, कुछ सीखने के लिए समय निकाल लेंगे, तो आप बिजनेस में आ सकते हैं, एडीआर एडीएस पार्टनर के रूप में आप आ सकते हैं। और इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल है, ये सब लगा दीजिए आप आराम से, जीरो कास्ट में, कोई आपको अलग से कास्ट नहीं लगेगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखते हुए। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर आप क्या डिसीजन लेने के पहले आपको जागरूक भी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेपोलियन हिल है वो फिर सफलता और असफलता के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं, और असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप सफलता के बारे में जागरूक हैं। फिर भी हम यहाँ पे कुछ आपकी हेल्प करते हैं कि जो ये आइडिया है, सबसे पहले मेन चीज है कि ये आपका अपना बिजनेस कहलाएगा, अपना बिजनेस कहलाएगा ये, और दूसरे का बिजनेस नहीं कहलाएगा, आपके पड़ोसी का बिजनेस नहीं कहलाएगा, और ये पार टाइम है, इसमें आप अपना काम करते रहिए, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके आप इसमें करिए। और क्या हो सकता है, घर से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस है। आज देखिए, आज अलग अलग कोने से, अलग अलग शहर से आप लोग बैठे हैं और घर से ही काम हो रहा है, ये कर सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा है, कितना टाइम बचेगा, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी आप इनकम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, जब कोई भी रिस्क नहीं है तो इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती, और इस तरह अपने बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करके कुछ नया स्पेशल करेंगे। अब स्पेशल करेंगे तो कैसे करेंगे, और हमारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कितने हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें हमसे होगी, तो इसके लिए कुछ बातें करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विनीता श्रीवास्तव, बिजनेस वुमेन अतर्रा बांदा। तो कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो हमारे शरीर को बेहतर हड्डी और मांसपेशियों के स्वस्थ और रक्त वाहिकाओं के बेहतर कार्य के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम अपने आहार में कैल्शियम की कमी कर देते हैं, तब हमारा शरीर इसे हड्डियों से लेना शुरू कर देता है, जिससे वे कमजोर हो जाता है और बार बार टूटना, दर्द, अकड़ जाना आदि शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे लिए कैल्शियम की खुराक बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमारे पास है स्मार्ट रूम में लव योर बोन्स गमी, और बार बार टूटना और दर्द अकड़ जाना आज शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे लिए कैल्शियम की खुराक बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमारे पास है अपने स्मार्ट रूम में स्मार्ट चॉइस लव योर बोन्स गमी। अब हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल कैल्शियम की टेबलेट का ही नाम सुना था। तो आप जाने कि हम इस गमी को कभी भी कहीं भी चलते फिरते ले सकते हैं और अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बोनीफेशियल गमी में कैल्शियम, विटामिन D2 और विटामिन K2 है। स्ट्रॉबेरी स्वाद में है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये वेजिटेरियन है। इसमें 100% प्लांट बेस्ड विटामिन D2 है। इसकी 3 गमी हम प्रतिदिन यूज करते हैं।
इसका मतलब है प्रत्येक गमी में कैल्शियम 125 मिलीग्राम, विटामिन डी 2 200 आईयू और विटामिन के 2 9 एमसीजी होता है। अब जानते हैं कि डी 2 क्या करता है, तो डी 2 हड्डियों में कैल्शियम का जरूरी अवशोषण बनाए रहता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में ये मदद करता है। इसी तरह विटामिन के 2 मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में ये मदद करता है, शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में ये मदद करता है, रक्त वाहिकाओं और किडनी में कैल्शियम का जमाव रोकता है, अंतर ब्लड सर्कुलेशन के कारण में बाधा पहुँचेगी। इस प्रकार बोनिफिशियल गमी हमको जरूरी कैल्शियम विटामिन डी 2 और विटामिन के 2 स्मार्ट रूप में देती है। प्रतिदिन 3 गमी हमको लेनी चाहिए, इसकी पैकिंग 60 गमी की होती है और इसको लेना और भी आसान है। तो ये देखिए, मैंने एक निकाली, इसका लेना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए बहुत ही अच्छी है ये, और यूं मैंने खा ली। हम सभी लोगों को लेना चाहिए। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन शरद जी का, और उतने शानदार डेमो गीता जी का। आप सभी लोगों की जोरदार क्लैप में चाहूंगा। और अब हम लोग इसके सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं रिकग्निशन पार्ट। तो जैसा कि शरद जी ने बताया कि अनम्यूट कर लीजिए अरविंद जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड फेज पर। जैसा कि बताया था शरद जी ने कि इसमें बहुत सा पैसा है, बहुत से रिकग्निशन है। तो अब मैं बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में जो इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं, और पैसे के साथ साथ वो बहुत सी नेम और फेम भी ले रहे हैं साथ ही साथ। तो मैं सबसे पहले उन सभी के लिए क्लैप चाहूंगा जो CSI अर्नर हैं। आप सभी लोग क्लैप कर सकते हैं वर्चुअली। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऐसे न्यू 3% एंड ओल्ड 3% जो इस लेवल पर हैं, जब हमारा बिजनेस 200 PV का किसी भी मंथ होता है, तो ऐसे 3% अचीवर्स के लिए हम लोग जो है क्लैप करते हैं। बाकी जो 3% अचीवर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो अपना जो है थंब रेज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 6% लेवल हमारा होता है, तो ऐसे सभी 6% अपना थंब जो है रेज करेंगे और हम लोग उनके लिए क्लैप करेंगे। अब हमारा बिजनेस और आगे बढ़ता है 9% लेवल, जहां पर आप जो है 1200 PV का किसी भी मंथ बिजनेस करते हैं, तो ऐसे 9% एंड 9% विद BFI। BFI का मतलब जैसा कि शरद जी बताया, जब आप अपनी किसी 3 टीमों के साथ में ये लेवल अचीव करते हैं तो हम BFI कहलाते हैं। तो उन सभी 9% एंड 9% विद BFI अचीवर्स के लिए हम लोग जोरदार क्लैप करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल आता है हमारा 12% एंड 12% विद BFI, जहां पर आपका आपकी टीम के साथ बिजनेस होता है 2400 PV का लगभग। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अचीवर्स हैं, उनके लिए हम सभी लोग जो है क्लैप करेंगे और वो अपना जो है थंब रेज करेंगे जो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा बिजनेस और स्ट्रांग होता जाता है और बड़ा होता जाता है, हमारी टीमें और स्ट्रांग होती हैं। तो नेक्स्ट लेवल हमारा है 15% एंड 15% विद BBI। तो ऐसा बिजनेस जहां पर आपका किसी भी मंथ आप जो है 4000 PV मिनिमम का बिजनेस करते हैं, तो कहलाते हैं हम लोग BBI। तो ऐसे सभी BBI जहां पर जो प्रेजेंट हैं, तो वन बाय वन मैं इनवाइट करूंगा, वो अपना नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन बताएंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करता हूँ अरुण शर्मा एंड सविता शर्मा जी को. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बाय शिल्पा शर्मा फ्रॉम लखनऊ बाय प्रोफेशन जॉब. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय सेल्फ सविता शर्मा फ्रॉम लखनऊ एंटरप्रेन्योर. थैंक यू. अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज. नेक्स्ट है इसी लेवल पर हमारे स्पीकर हैं शरद एंड विनीता श्रीवास्तव जी. आप सभी लोगों की जोरदार क्लैप में इनवाइट करता हूं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय सेल्फ विनीता श्रीवास्तव विदिन वुमेन अतरा बांदा से. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. और माय सेल्फ सरस श्रीवास्तव फ्रॉम अतरा बांदा बाय प्रोफेशन लेक्चरर. थैंक यू. बैक टू होस्ट. थैंक यू शरद जी. और इस लेवल पर और कोई यदि छूट रहा हो तो अपने को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकता है. चलिए इसी लेवल पर मैं माई सेल्फ अरविंद निगम बाय प्रोफेशन टीचर फ्रॉम कानपुर. गुड मॉर्निंग. मीनाक्षी निगम बिजनेस वुमन कानपुर से. थैंक यू. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसी बिजनेस को हम लोग एक अच्छे लेवल पर लेके आते हैं जिसे बोलते हैं सिल्वर. तो सिल्वर लेवल पर हमारा बिजनेस किसी भी मंथ अगर 10,000 पीवी एंड अबव होता है तो हम इस सिल्वर पिन को अचीव करते हैं. आज हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर जेपी सिंह एंड डॉक्टर प्रेमलता. हम लोग उनका जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं. वे अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे साथ ही साथ हम लोगों को वन लाइन मैसेज भी देंगे. थैंक यू अरविंद जी. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. माई सेल्फ डॉक्टर जे पी सिंह बाई प्रोफेशन पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर. और सबसे पहले तो शरद जी और विनीता जी के लिए आज के प्लान के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे. और मैसेज नए लोगों के लिए हमारा यही है कि वो सोच के देखें. जैसे जैसे जॉब में उनका प्रमोशन होता जाता है क्या होता है वो और बिजी होते जाते हैं. उनके ऊपर काम का लोड बढ़ता जाता है. अपने जॉब में के काम में क्या होता है जैसे हमारा खुद का काम ग्रो करता है हम और बिजी होते जाते हैं. लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या है जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता जाता है हम फ्रीडम की ओर जाते हैं. तो अब ये उनको डिसाइड करना है कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं. स्ट्रेसफुल बिजी लाइफ या फ्रीडम. अगर वो फ्रीडम चाहते हैं तो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं. थैंक यू. कम एंड ज्वाइन. थैंक यू डॉक्टर जेपी. और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जब इसी बिजनेस को हम लोग लगातार किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगातार 6 मंथ मेंटेन रखते हैं इसी लेवल को तो हम लोग कहलाते हैं प्लैटिनम. और मैं इनवाइट करता हूँ इस प्लैटिनम लेवल पर अतुल एंड सामना त्रिपाठी जी को. थैंक यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेम सामना त्रिपाठी फ्रॉम अकबरपुर कानपुर देहात से. आज की प्लान जोरदार तालियां. बहुत सिंपल था. बहुत ही अच्छा प्लान था. और मैसेज मेरा यही है कि जब हम इस तरह की मीटिंग अटेंड करेंगे 100% यूजर बनेंगे इन प्रोडक्टों के और लोगों को भी यूजर बनाएंगे तो इनकम तो अपने आप ही आएगी. अब इनकम हमें सोचनी है कि कितनी हमें चाहिए. थैंक यू. सभी को नमस्कार. अतुल त्रिपाठी बिजनेसमैन अकबरपुर कानपुर देहात से. वॉइस क्लियर है अरविंद सर? यस 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 क्लियर है. अच्छा थैंक यू सर. सबसे पहले हम शरद सर और विनीता मैम को जोरदार तालियां. बहुत बढ़िया उनका प्लान था आज का. और जैसे आप सोचो एमबे को लेके जैसे हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं तो आप एमबे का जो ऑफिस इंडिया में बना हुआ है 12 पिन कोड लगते हैं. अपने यहाँ इंडिया में ऐसे बहुत सारे जिले हैं पूरे जो 12 पिन कोड से भी कम है और पूरा जिला हो गया है. तो आप सोचो कितना बड़ा ऑफिस है. आप किसी भी कंपनी का उठा के देखो हमें तो नहीं लगता कोई भी कंपनी इतनी बड़ी इतना बड़ा उसने अपना ऑफिस बना रखा होगा कि 12 पिन कोड का इतना बड़ा एरिया कवर करा हो. तो बस ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. बस केवल प्लग होने की जरूरत है. थैंक यू. बैक टू होस्ट. थैंक यू अतुल जी. और मैं बताना चाहूंगा इसी लेवल पर जो है हम लोगों के फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाते हैं जहां पर फर्स्ट क्लास आपको ट्रीटमेंट मिलता है. और इस लेवल पर हमारे साथ में उपस्थित हैं रजनी मैम. जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय सेल्फ रजनी. मैं टीचर हूँ कानपुर में और मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं.
और सबसे पहले तो अरविंद सर और मीनाक्षी मैम की होस्टिंग के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग, और विनीता मैम और शरद सर के लिए बहुत ही अच्छी क्लैपिंग, क्योंकि देखिए विनीता मैम ने डेमो भी इतने अच्छे से बताया उन्होंने, और शरद सर का तो प्लान बहुत बढ़िया, और उन्होंने सारे मैसेजेस दिए, बस हमें करना क्या है, इस तरह के प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी रखनी है, इस तरह की जैसे वर्कशॉप होती है, मीटिंग्स होती है, वहां बस आते रहना है, बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी, सीखते रहेंगे, और लीडर्स के सबमिशन में रहना है, बस यही मुझे कहना था। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जब हम इसी बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करते हैं और थ्रू आउट द ईयर, यानी किसी भी फिजिकल ईयर में, और जो हम इसको जो है 12 मंथ्स मेंटेन करते हैं, इस पिन को तो हम कहलाते हैं फाउंडर प्लैटिनम। और इस पिन पर हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर विकास जी एंड डॉक्टर दीदिका मैम, हम लोग उनका जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दीपिका, बिजनेस वुमन, और सबसे पहले तो जोरदार तालियां शरद जी और विनीता जी के लिए, बहुत बढ़िया प्लान था, और बस मैसेज तो बहुत सारे दे दिए, बस मैसेज यही है नए लोगों के लिए कि जैसे बैलेंस ऑफ लाइफ की बात शुरू हुई थी, तो अगर पैसे और टाइम का बैलेंस अगर चाहिए तो ये अपना बिजनेस है, आप खुद कर सकते हो, बस दो ही काम करने हैं, सीखना है और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो कम इन एंड जॉइन अस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माइसेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता, बाय प्रोफेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और बस यही कहना चाहूंगा जैसे गीता ने कहा, समय और पैसा, अब इसी चीज के दो कारण हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, और कोई ये कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं इस बिजनेस को करूंगा जिससे आने वाले समय में मैं समय कमा सकूं। यही कारण पैसे का है कि कोई कह सकता है हमारे पास पैसे नहीं तो हम इसको कैसे शुरुआत करूं, और एक ये कारण हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करके एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सोचना आपको है कि आप कौन सा कारण आपके जीवन में भला कर सकता है। वी आर ऑल, हम लोग इस साथ में हैं, अपलाइन है, एमवे है, और एक सिस्टम है जो आपको मदद करने को तैयार है। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सरल मैम। आप इसी लेवल पर हमारे साथ में उपस्थित हैं अरुण एंड मधु पाठक जी, हम लोग जोरदार तालियां से उनका वेलकम करते हैं। और आज के स्पीकर के लिए शरद जी एंड विनीता जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा सिंपल प्लान था, जैसे कि विनीता जी ने लव योर बोन्स के बारे में बात करी, ऐसे ही अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं और ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो जैसे कि शरद जी ने कहा ये विशाल वृक्ष है, तो ये विशाल वृक्ष है, लेकिन जब तक हम इसको सींचेंगे, वो जिसका काम करेंगे इस पे, तभी ये विशाल वृक्ष बन सकता है। तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है कि आपके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। और अब बात करते हैं एक ऐसे लेवल की जहां पर आपको टाइम और मनी के फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है, जहां पर इस बिजनेस में आप ऐसे ही अपनी टीम में तीन प्लैटिनम्स आपके तैयार हो जाते हैं, तो वो लेवल कहलाता है हमारा एम्ब्रॉयडर्ड लेवल। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर ओपी पाठक जी और डॉक्टर गुंजन मैम, जो इस लेवल पर हैं, हम आप सभी लोगों की जोरदार क्लैप से उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू अरविंद जी, और सबसे पहले तो जोरदार तालियां हमारे सारे ऑडियंस के लिए और जो अभी तक रुके हुए हैं, और दूसरी हमारी जोरदार तालियां हमारे होस्ट के लिए और स्पीकर के लिए। तीसरी बात कहूंगा कि अरुण जी ने बोला कि आपको थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, फ्रीडम कैसा लगता है जब फ्रीडम वर्ड आपके मुंह से निकलता है, कभी एहसास किया है? तो फ्रीडम, यदि एहसास किया है तो फ्रीडम फ्री है क्या? कितने लोग सोचते हैं फ्रीडम फ्री है? आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, कितने लोगों ने शहादत दी है?
चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये नाम हम कुछ नाम जानते हैं, 1857 की कितने लोग फांसी पे लटका दिए गए किसी को पता नहीं है, लोगों को जानते भी नहीं है, लेकिन वो जो शहादत थी, वो जो सेक्रीफाइस था, वो इकट्ठा हुआ। कुछ भी इस दुनिया में बर्बाद नहीं होता, वो इकट्ठा हुआ और कोई न कोई माध्यम मिलता है, किसी न किसी को श्रेय मिलता है, लेकिन बलिदान किसने दिया होता है कई बार पता भी नहीं चलता। तो हमें कोई ऐसा बलिदान नहीं देना है कि फांसी पे लटकना है, हमें ऐसा बलिदान देना है प्राथमिकताओं का। तो नया साल आ रहा है, हम लोग बहुत ही चिंतन कर रहे हैं, एक्साइटेड भी है, एनर्जाइज भी है, थोड़ा सा कहते नहीं कभी अपने पिछले इतिहास को देख के थोड़ा मायूसी भी आती है, लेकिन हम उसको ओवरकम करते हैं कि हमें ग्रो करना है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं उन सभी से कह रहा हूं जो जिम्मेदार हैं ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। किस लिए? दूसरे देखें कि इस बिजनेस में आप ग्रो करते हैं। आप अपने लिए आपको ये लगता है आपको नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पर यदि आप ग्रो नहीं करते हो तो दूसरे का एंथुसियाज्म कम हो रहा है आपको देख के, तो आपकी आप पाप लगेगा। मैं इसको क्या मानता हूं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैं नहीं कहता आप में से सहमत हो। मुझे लगता है यदि मैं ग्रो नहीं करूंगा तो जो मेरी वजह से बिजनेस में साइन किए हैं उनके लिए मैं थोड़े का काम नहीं कर रहा। मैं आपको अक्सर झकझोरता हूं आजकल, क्या आप अपने आप को झकझोरा है? क्या हम 2021, 2022, 2019 सेम एक्शन माइंडसेट में रहेंगे क्या? मैं इसको बार बार बोलता हूं, प्लीज किसी मृग मरीचिका में नहीं रहना है। यदि सेम माइंडसेट में है तो सेम रिजल्ट आने वाला है 2023 में, जो हमें मंजूर नहीं है। बहुत सारी चीजें, ये जो 27, 28, 29, 30, 31 कुछ चार दो चार दिन बचे हैं, इनको इनको पीछे हमें गंभीर चिंतन की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है बदलने की, चाहे वो होम एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हम अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट हो, एनीथिंग। आप क्या चाहते हैं? एमवे एक पार्टनरशिप है। किसके साथ पार्टनरशिप है? एमवे के साथ, अपलाइन के साथ पार्टनरशिप है। आप अकेले नहीं हो, आप ग्रो नहीं करते हो तो अपलाइन पर असर पड़ता है, आप ग्रो नहीं करते हो डाउनलाइन पर असर पड़ता है। यू आर ए पार्टनर विद डाउनलाइन एंड आप उनके भी पार्टनर हो जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो कितनी पार्टनरशिप है आपके साथ? पार्टनरशिप का मतलब है केवल रिवार्ड नहीं कि हमें फॉरेन ट्रिप मिलती है, जिम्मेदारियों में भी रिवार्ड, जिम्मेदारियों में भी पार्टनरशिप है। और जिम्मेदारी काहे की? अपनी वैल्यू बढ़ाने की। यदि आपके मन में आता है लोग आपकी बात नहीं सुनते, इंक्रीज योर वैल्यू। वैल्यू कैसे बढ़ती? अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना फेथ बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए। तीन चीजें बता रहा हूं मैं, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अपना फेथ बढ़ाइए। नॉलेज तो बहुत बढ़ गई है एक साल में, ये मुझे याद है, सबको पता है, अच्छे से बोलते हैं, अच्छा आता है। प्रॉब्लम नंबर दो और नंबर तीन पर है, फेथ की प्रॉब्लम है। ये यदि आप ग्रो नहीं करे हो तो ये फेथ का इशू है, ये नहीं कि ये हमारा तो बहुत फेथ है। यदि हमारा बहुत फेथ है तो 10 कॉल हो जानी चाहिए, 10 रिजेक्शन पर हम पर असर नहीं पड़ता, तब मैं कहता हूं कि फेथ है। यदि हम 2 रिजेक्शन में तीसरी कॉल करने में हिचकते हैं तो फेथ में कमी है, फेथ बढ़ाइए। एंड लास्टली स्किल बढ़ाइए, स्किल से रिजेक्शन लेवल कम हो जाएगा और रिजेक्शन तो आएगा। तो तीन चीजों से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी लोग फॉलो करेंगे। लीडरशिप का गेम है ये, तो लीडरशिप केवल लीडरशिप कहने से नहीं आती, अच्छे भाषण देने से नहीं आती, अच्छे कैसे आती है, अच्छी सर्विस देने से, सर्विस टू योरसेल्फ, सर्विस टू फैमिली, सर्विस टू कस्टमर्स एंड सर्विस टू एवरीबॉडी अराउंड यू। तो एमवे इज नॉट टू सेल,
एमवे इज टू सर्व, सबसे पहले अपने आप को, देन आपके आसपास। अपने आप को सर्व करने कैसे करते हैं, अगेन अपनी स्किल्स को बढ़ा के, अपनी नॉलेज बढ़ा के और अपनी फेथ बढ़ा के, दैट इज सर्विस टू योर सेल्फ। और ये काम करोगे सर्विस टू अदर्स होगी। मैंने एक फ्लोट किया हुआ है ग्रुप में कि 48 घंटे कौन लोग हैं जो अपने को ग्रो कराना चाहते हैं, जिनके नाम मेरे पास आ जाएंगे उनके साथ, उन्हीं के साथ मैं एक बैठक करूंगा, स्पेशल बैठक होगी और उनके उसमें डिसीजन होगा कि अब इस साल के रियल हीरोज कौन बनने वाले हैं। रियल हीरो अपने आप नहीं बनेगा, रियल हीरो वो बनेगा जो हीरो बनने को तैयार होगा, जो हीरो बनने की प्राइस पे करेगा, एक्शन में आएगा। हमें अंतर नहीं पड़ता कौन से पिन पे आप रहे हैं अभी तक, इंक्लूडिंग मी, मैं जब बातें ही करता हूं तो मैं शामिल होता हूं, कोई कहीं भी हो कोई अंतर नहीं पड़ता, सब एक पैरेलल है, एक पार है। तुम्हारी सबसे ही रिक्वेस्ट है कुछ दिनों के लिए, एक साल के लिए भूल जाइए आप कहां हो, यू आर ए प्लैटिनम थे, आप एमरल्ड थे, फाउंडर प्लैटिनम थे, आप क्या हो, वहां से ग्रोथ स्टार्ट हो। तो मुझे लगता है कि समय नहीं है हमारे पास, वी आर पोइज्ड फॉर बिग ग्रोथ, हम करके रहेंगे ग्रोथ, मानूंगा नहीं मैं। कौन लोग हमारे इस मिशन में हमारे साथ हैं, मैं उनका इंतजार करूंगा आज रात 12 बजे तक। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीक हम लोग जो है नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे जैसा कि सर ने बताया, और अपने कुछ नए इरादों, नए विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए स्पीकर और नए होस्ट के साथ में, तब तक के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं।